हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरीबों के एक्टर कल्याण जाना। आज जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चल रहा है धमाकेदार, एक ऐसे बात चल रहा है जो पवन सिंह और अक्षरा सिंह के साथ आज जो हो रहा है हंगामा, इस हंगामे के लिए मैं बोलने जा रहा हूं। दोस्तों, पवन सिंह जो है एक एक्टर है भोजपुरी के, अपने आप को सुपरस्टार बोलता है, और अक्षरा सिंह उनकी एक्ट्रेस है जो हर फिल्म में उनके साथ में काम किया है। आज विवाद है अक्षरा सिंह को, उन्होंने एक साल हो गया छोड़ दिया, आज में उसने शादी किया है। मैं भोजपुरी के जितने भी एक्टर है, एक्ट्रेस है, कॉमेडियन है, ये सब ये कह रहा है पवन सिंह हमारा भैया अच्छा है, ये है वो है, लेकिन मैं खाली इतने बोल दूं, अच्छा कितना है ये दुनिया जानता है। तो दोस्तों, मैं आज खड़ा हूं एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ, गरीबों के एक्टर कल्याण जाना खड़े हैं उनके साथ जिनके साथ गलत हुआ है। तो दोस्तों, पवन सिंह जो आपने आपको सुपरस्टार बोलते हैं, मैंने उनको 2013 में एक अवार्ड दिया था, दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड जो मेरा होता है ये शो, इसमें उनको बुलाया गया था स्टेज पर। तभी रानी चटर्जी के साथ बहुत बड़ा पंगा हो रहा था उस टाइम पे, रानी चटर्जी उनका गर्लफ्रेंड था, तो उस टाइम पे उनको मैंने एक अवार्ड दिया था जिसमें रानी चटर्जी और वो पवन सिंह दोनों डांस किया था एक ही स्टेज पे, लेकिन दारू पी के आया था। अब बताओ, एक सम्मान लेने के लिए दारू पी के आ रहा है, एक जब सम्मान लेने जो बहुत अच्छा काम करते हैं इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा कोई भी जगह हो जहां पर अच्छे से काम करते हैं, काम करने के बाद उनको एक सम्मान मिलता है और वो सम्मान लेने के लिए वो दारू पी के आते हैं। आप समझ सकते हो कैसे इंसान है वो, सिर्फ यूज करते हैं लोगों को और अपना फेंक देता है। तो दोस्तों, आज भोजपुरी में जितने भी हीरो हैं, आप सबका एक एक करके अपना अपना हीरोइन है और दूसरा किसी को काम नहीं मिलता है। जैसा पवन सिंह है उसके लिए अक्षरा था, जैसे दिनेश लाल है उसके लिए अम्रपाली है, और जैसे केसरी लाल है केसरी के लिए अपना काजल रगबानी है। तो दोस्तों, उनके लिए फिक्स है हीरोइन, तो आज उसको साथ में नहीं रखा है अक्षरा सिंह को। उन्होंने उनका शादी हुआ था नीलम के साथ, तो शादी भी हो गया खत्म क्योंकि नीलम ने किया आत्महत्या। अब कैसे मरा वो अभी खुलासा नहीं हुआ। उसके बाद वो अरे शादी किया है, एक साल हुआ है, और एक साल से उनके साथ नहीं है एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह आज बॉलीवुड में काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आज खा रहा है, पी रहा है, कैसे भी कर रहा है वो। पवन सिंह क्या कर रहा है, उसके पत्ता कट रहा है। पवन सिंह जितने भी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जितने भी लोग हैं उनके नजदीक, चाहे वो म्यूजिक कंपनी हो, चैनल कंपनी हो, उन सभी को मना कर रहे हैं जो आप अक्षरा सिंह को काम मत दो। भाई क्यों ना दे, भाई क्यों ना दे, तुम क्या भगवान हो? पवन सिंह तुम क्या भगवान हो? हैं, भगवान से तुम्हारे लिए एक ही है, वो पब्लिक। जिस दिन पब्लिक तुम्हारे बारे में जान जाएगा, जिस दिन पब्लिक तुमको लाइक करना छोड़ देगा ना दोस्त, तब तुम लुक्खा एक्टर बन जाओ। पवन सिंह के जगह पे लुक्खा एक्टर बन जाओगे। इसलिए भाई, उड़ना कम करो, अपना एक्टिंग करो, घमंड मत रखो। एक लड़का ने उसको फोन किया था जो, भाई मैं आपका, मेरा गाना आपने निकल दिया है। आज उस लड़का को तुमने गाने से निकल भी दिया, और जब उसने पूछा आपको, भाई भैया आपने गाना क्यों निकाला, आपने घमंड से उससे बात किया। तो घमंड भाई रावण का नहीं रहेगा, तुम्हारा कैसे रहेगा। तो पवन सिंह एक बात सुन लो, आज भोजपुरी में तमाम लोग आपका बाबा बाबा कर रहा है क्योंकि उसको काम चाहिए। मुझे काम नहीं चाहिए भोजपुरी में, ना काम करना है मुझे आपके साथ, ऐसे आदमी के साथ। तो सुन लो मेरे बात, आज जितने भी एक्टर है अक्षरा सिंह को बोलता है, अक्षरा सिंह ने गलत किया है इसलिए गलत हुआ है। क्या पवन सिंह सही है क्या? तुम भैया भैया जिसको बोल रहे हो वो सही है क्या? पवन सिंह जो गलत किया है, जो गलत कर रहा है इंडस्ट्री के लिए, जो लड़कियों के साथ, उसके लिए मैं आवाज उठाया मेरे फेसबुक लाइव आज सच्चाई का सामना में। आज ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि एक लड़की, एक नारी का सम्मान हो,
क्योंकि नारी हमारी माँ है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, कल्चर है, लक्ष्मी है। जब तुम्हारा बेटी होगा तब तुमको कोई और कोई ऐसा करेगा तुम्हारे बेटी के साथ, तब तुम क्या बोलोगे? तो नारी का सम्मान हो, आज उस नारी के साथ, उस एक्टर के साथ मैं खड़ा हूं, गरीबों के एक्टर कल्याण जी जाने, जिसको जो करना है कर लो। अक्षर सिंह मैडम, मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आपके साथ कल्याण जी जाना है, और आपके पब्लिक है, आपके पेरेंट्स है, और आपका भगवान और गॉड है, अल्लाह है आपके साथ, आप चिंता मत करना। पवन सिंह कुछ नहीं कर पाएगा, पवन सिंह के भाई लोग, लुक्खे लोग, उनके कुछ लोग उसको गाली दे रहा है, उसको मारने का धमकी दे रहा है, उसको बोलता है अगर तुम बिहार आओगे, यूपी आओगे तो तुमको मार डालेगा। क्या हलवा है क्या? मार डालोगे? और इंडस्ट्री किसी बाप का नहीं है, इंडस्ट्री सबका है, सबको वेलकम करता है, क्योंकि पब्लिक सब कुछ जानता है, सब कुछ पहचानता है, सब बोलता है, पब्लिक ही हमें स्टार बनाता है। तो दोस्तों, पब्लिक अगर हमें स्टार बनाता है तो पब्लिक हमें नीचे गिराता भी है। थोड़ा संभाल के रहना पवन से, जिस दिन पब्लिक तुम्हें गिराएगा ना भाई, उठ नहीं पाओगे, उस दिन लुक्खा एक्टर में नाम आएगा तुम्हारा, समझ जाओ। जो तुमने जो गलत किया है वो तुम्हें भुगना पड़ेगा बॉस, क्योंकि गलत यही भुगता है, भगवान अल्लाह गॉड ने बोला यही भुगता है गलत, यही भुग के तुमको जाना पड़ेगा दोस्त। तो दोस्तों, अक्षरा सिंह के साथ मैं खड़ा हूं, गरीबों के एक्टर कल्याण जी जाना, पवन सिंह के साथ पूरी इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री बोलते हैं पवन सिंह गलत नहीं किया है, अक्षरा सिंह गलत है। मैं बोलता हूं पवन सिंह गलत किया है, क्योंकि इसके पहले कितनी लड़की के साथ में गलत हुआ है, कोई आवाज नहीं उठाया। रानी चटर्जी के साथ भी गलत हुआ था, उन्होंने आवाज उठाया था, उनको भी काम मिलना बंद हो गया था। तो आज अक्षरा सिंह को काम मिल रहा है, लेकिन उसकी पीछे लगा है पवन सिंह के कुत्ते लोग। तो आपको सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, नारी का इज्जत करे, नारी का सम्मान करे, क्योंकि नारी हमारी माँ है। तो पवन सिंह आपको इतना ही बोलता, अगर आपके घर में माँ है, बहन है, तो नारी का सम्मान करें। आपकी बहू एक नारी है, आपकी वाइफ एक नारी है, जो अभी अभी आपने शादी किया है, 1 साल हुआ है, एक आपका पत्नी तो मर गया है, उसका पता नहीं, खुलासा नहीं, वो नहीं हुआ, और एक आपने शादी किया और बाहर जो कर रहे हो वो अलग है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, मैं पवन सिंह को मैं लुक्खा एक्टर बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लुक्खा एक्टर में नाम है, कोई एक्टर नहीं है, भोजपुरी फिल्म में अपने आप को स्टार समझता है, और दारू पी के सेट पे आता है, दारू पी के स्टेज में वो चढ़ता है अवार्ड लेने के लिए, तो इसलिए वो लुक्खा ही है। सम्मान वो होता है जो सम्मान से बात करता है, जो आदर से बात करता है, जो प्रेम से बात करता है, जो सबको इज्जत करता है, जो अच्छा से अवार्ड लेता है, जो अच्छा से काम करता है, उसको सम्मानीय एक्टर बोलता है, मतलब अच्छा एक्टर बोलता है, ये लुक्खा एक्टर है। अक्षरा सिंह के साथ मैं खड़ा हूं, जिसको जो करना है कल, क्योंकि हिंदुस्तान में सच्चाई बोलना सबको अधिकार है, और मैं सच्चा बोलते रहेगा, इसलिए मेरा शो का नाम है सच्चाई का सामना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय मेरे प्यारे प्यारे फिल्म इंडस्ट्री और मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, एंड थैंक यू सो मच। मैं हूँ गरीबों के एक्टर कल्याण जी जाना, और आपके साथ आप सब लोग जो देख रहे हो मेरे वीडियो, प्लीज प्लीज मीडिया वालों को मेरा विनती है, जो गलत जिसने किया है उसके खिलाफ उसको दिखाइए, और जो गलत नहीं किया है उसको न्याय दीजिए। थैंक यू सो मच। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.